मथुरा में ट्रैफिक पुलिस का एक नया रूप जनता के सामने आया, जहां सरेआम ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी रिश्वत देती दिखाई दी। ट्रैफिक कर्मी का 500 रुपए रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति के द्वारा अपनी मोटरसाइकिल, जिसकी कागजात उसके पास पूरे थे और हेलमेट भी लगा रखा था, ट्रैफिक पुलिस कर्मी के द्वारा उस व्यक्ति को हड़काया गया और 3000 का चालान का भय दिखाकर 500 रुपए लिए गए, जिसका वीडियो उस व्यक्ति के साथ वाले व्यक्ति ने बना लिया और वायरल कर दिया। जिस व्यक्ति की मोटरसाइकिल को रोका गया वह गिराज नाम का व्यक्ति चमुआ का रहने वाला था और न्यायालय में अपनी तारीख करने के लिए आया हुआ था। बोल रहे थे तुम्हारा 3000 चालान कटेगा, नहीं तुमको 1000 रुपया दूँ। फिर हमने जैसे जैसे तैसे करके 500 रुपया दिए उनको। अच्छा, गाली दे रहे थे, नहीं तो छोड़ ही नहीं रहे थे। अच्छा अच्छा, 500 रुपया हमसे ले लिए। PCN न्यूज के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने अन्य राज्यों में जाकर खड़ी गाड़ियों में या फिर गाड़ी को ओवरटेक कर लूट व चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 4 शातिर चोरों को चोरी के माल सहित गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के थाना देहात पुलिस ने पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के आदेश एवं अपर पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्र के निर्देश पर क्षेत्र अधिकारी SN वैभव पांडे के कुशल नेतृत्व में कार्य करते हुए अपराधियों की धरपकड़ अभियान के अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान SWAT टीम एक साथ कार्रवाई करते हुए हाईवे पर गाड़ी के बराबर में गाड़ी लगाकर या फिर गाड़ी के आगे ओवरटेक कर लूट व चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से अवैध असलाह सहित चोरी व लूट की घटना से संबंधित 2 LCD TV, 2 इन्वर्टर, 4 बैटरी एवं 1,85,000 रुपए नकदी के साथ घटना में प्रयोग किए जाने वाले एक कैंटर ट्रक भी बरामद किया है। देखिए, जनपद हापुड़ में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों पर लगातार कार्रवाई करी जा रही है। इसी क्रम में कल रात हापुड़ देहात की पुलिस एवं SWAT की बी टीम द्वारा 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, चोरी के माल सहित। पूछताछ करने पर पाया गया कि ये जो चोर हैं बिहार राज्य में जो पेट्रोल पंप और ढाबे पड़ते हैं वहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं उनकी रेकी करते हैं और उनके सामान को चुरा लेते हैं। इन 4 चोरों में 2 किठोर के हैं, थाना किठोर जो कि जनपद मेरठ में आता है, और साथ ही 2 जो जनपद हापुड़ के हैं। इनके 3 साथी फरार हो गए हैं, इन पर मुकदमा लिखकर आगे की कार्रवाई करी जा रही है। हमारे संवाददाता से एक प्रेस वार्ता के दौरान बात करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी SN वैभव पांडे ने बताया कि थाना देहात पुलिस ने चेकिंग के दौरान ऐसे 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो बिहार राज्य में जाकर ड्राइवर से गुफ्तगू कर उनकी गाड़ी में लदे माल की रेकी कर लेते थे और उसके बाद या तो खड़ी गाड़ी में रखे माल को चोरी कर लेते थे या फिर ओवरटेक कर गाड़ी को रुकवा कर लूट की घटना को अंजाम देते थे। इस दौरान उनके 3 साथी फरार होने में कामयाब रहे, तो वही गिरफ्तार आरोपियों में 2 किठोर जनपद मेरठ के निवासी है, तो वही 2 जनपद हापुड़ के निवासी है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी या लूट की घटना में प्रयोग किए जाने वाला कैंटर एवं लूट व चोरी से संबंधित सामान के साथ 1,85,000 की नकदी एवं अवैध हथियार भी बरामद किया है। BCN न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत सुहाग नगर एक माया नामक बुजुर्ग महिला मंदिर से दर्शन कर लौट रही थी, तभी टप्पेबाजों ने महिला को बनाया अपना शिकार। महिला से कुंडल सोने की चेन और अंगूठी उतार कर लेकर फरार हुए। अपने सोने के आभूषण को दोगुना करने के लालच में फंसी महिला, टप्पेबाजों ने महिला से सोने के आभूषण लेकर हुए फरार। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र के सुहाग नगर का है, जहां माया नामक बुजुर्ग महिला मंदिर से दर्शन करके अपने घर जा रही थी, तभी 2 टप्पेबाज एक बाइक पर और दूसरा पैदल था, महिला को अपनी बातों में फंसा लिया और इसे कान के कुंडल और 2 सोने की अंगूठी उतरवा ली और सोना डबल करने की कहकर आभूषण के लिए, और जैसे ही महिला ने पीछे मुड़कर देखा तभी दोनों टप्पेबाज महिला के करीब 1 तोले के सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। घटना के बाद महिला ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला से मामले की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए CCTV कैमरे को खंगालने में जुटी हुई है। कुंडल वाने उतारो तक जाएंगे, उतारो उतरवाए माने, अगर मेरे हाथ में देते, मैंने कि नहीं बाबा मैं हाथ में ना देती, 2 कदम चलो, 2 कदम के चक्कर में कुंडल वाने डाले, मैं तो नीचे पीछे मुड़ के देख लियो, सोई धूप जट के तब भाग गया, चलो गो एकदम। BCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट।
बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।